morning, students. Ready? Let's discuss few questions. Now I will be giving you questions from mixed chapters. Any question from any chapter? I will take. I think many of them are doing self study. पढ़ा हो तो आसान. मैं देख लेती हूँ बेटा. ओके ऑल राइट बेटा स्टार्ट डूइंग. नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.404040 on in the form of P over Q. वंशिका क्या हो गया बेटे? हो गया तो थोड़ा पीछे होके बैठो, वन बैंक छोड़कर. मेरी बात मान लो, फिर प्रिंसिपल मैम आके बोलेंगे उनकी बात ज्यादा माननी है. नहीं मतलब फिर कोई और पॉइंट आउट करे, मेरी क्लास में कोई पॉइंट आउट करे, आई विल नॉट. मतलब इफ मैम कम्स एंड पॉइंट आउट देन इट डजंट लुक नाइस ना. दीज आर द इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन बाय मैम, देन व्हाई वी हैव टू फॉलो. I think 16. Not sure. उससे भी कम हो सकते हैं. I don't know. Don't start doing the calculations. Maybe कितने benches हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 12 भी बैठ सकते हैं. Like you are sitting today three on in a single row. बच्चे पूरे नहीं आएंगे, आपकी टेंशन नहीं है, वो स्कूल वाले अपने आप देखेंगे कैसे बिठाना है. ठीक है, मास्क पहन के आओ, मास्क पहन के आओ, सैनिटाइजर लगा के आओ, सैनिटाइजर लेकर आओ. ठीक है, कुछ नहीं होगा. ठीक है ना, सबको पता है कि कौन कितनी प्रिकॉशन लेते हैं. अगर 2000 अगर मान लो 100 स्टूडेंट है, उसमें से 90 तो सिर्फ 10 है जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं घर पे भी. 10 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल. तो स्कूल में पेपर देने में कुछ नहीं है, आप आओ किसी चीज को इधर उधर हैंडशेक नहीं करो एक दूसरे के साथ, मास्क पहन के रखो, कुछ नहीं होता. हमारे है ना, सेम है बॉडी, सेम ह्यूमन बींग्स. इफ ऑल अस वी कैन कम देन इट्स ओके, कुछ नहीं होता तुम लोगों को. एवरीवन ब्लेसिंग्स आर विद यू, कुछ नहीं होगा. एंड मोर ओवर यू टेक द प्रिकॉशंस, nothing happens. Okay, hurry up. एक बार में एक ही चैप्टर के लिखूंगी, ये डिस्कस कर लेंगे फिर किसी और चैप्टर, कोई और चैप्टर पिक करेंगे. मुझे क्या लगता है क्वेश्चन
अरे अब फर्स्ट का आंसर आया है, सेम है, क्या आंसर है? 40/99. Who did not get this answer? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज द आंसर 40/99? इफ नॉट देन रेज योर हैंड, आई विल डिस्कस. ठीक है चलो करो बेटा, आफ्टर 2-3 मिनट्स आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग. सॉल्व नहीं हो सकता. हो सकता है सेकंड का आंसर है. एक मिनट देखने दो. ऐसा कुछ आंसर बता रहे हैं बुक वाले तो. ओके लेट्स ऑल लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0.4040 सोन. नाउ इट मींस द बार इज ऑन हाउ मेनी नंबर्स? Two numbers 4040. So we will multiply it with 100. 100 x is, it will be shifted two digits, 40.4040. Minus karo. 99 x is equal to 40. There is x is 40/99. Fine. If the bar is on three digit, then we have to multiply with the 1000. So it is very important that very carefully you see that bar is on how many numbers. ऐसे भी हो सकता है कि कोई नंबर है, just listen to me, 0.235 और बार है एक सिर्फ 5 पे, 5 रिपीट हो रहा है और जो ऑप्शन है उसमें अगर बच्चे ने 3-5 पे बार ले लिया उसका आंसर भी है, 5 पे बार लिया है उसका आंसर भी है. तो आपने ध्यान से ये नहीं है कि हाँ 3-5 पे बार ले लिया और उसका ऑप्शन मिल गया वो करेक्ट, वो गलत हो जाएगा. आज समझ में आ गई? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी केयरफुली. नहीं समझ आता क्वेश्चन में, डाउट है तो स्टैंड अप एंड आस्क फ्रॉम द टीचर. टीचर पूछ के बता देंगे कि बार एक पे है, दो पे है. ओके नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. 12√18, 2 2 4, क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? 3 3 9, ये आ जाएगा 3 बाहर, रूट 2. पूरा सॉल्व करूं अब? एक मिनट यहां करते हैं. ये फैक्टर्स हैं, यस. ठीक है, इसमें से 3 बाहर निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 3 36 रूट 2 माइनस 12 रूट 5 माइनस 15 रूट 2 प्लस 24 रूट 5. 36 रूट 2 माइनस 15 रूट 2 इज लाइक टर्म्स हैं. 36 माइनस 15 21 रूट 2 प्लस ये नहीं, वो अगले वाले का बोला है. 36 माइनस 15 इज 21 रूट 2 माइनस 12 रूट 5 प्लस 24 रूट 5 लाइक टर्म्स. सो 24 माइनस 12 इज 12, सो प्लस पॉजिटिव प्लस 12 रूट 5. दिस इज द आंसर. डिड यू गेट? कितना आ गया? नहीं, बुक में गलत नहीं है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूट टू की वैल्यू डाली है, रूट फाइव की वैल्यू डाली है. रूट टू की वैल्यू डालकर वो क्या हुआ? 1.414. ठीक है, रूट फाइव की वैल्यू क्या है?
क्या होगी रूट फाइव की अप्रोच 2.2 2.1 बाय 2.1 2.01 होएगी वैसे तो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ये 5 है तो 2.1 ले लो चलो फिर उन्होंने डेसिमल हटा के बट आपको ऐसे इतना मुश्किल नहीं कैलकुलेशन डालेंगे ठीक है अगर ऐसा सॉल्व आएगा तो ऑप्शन में ये होगा मान लो रूट वाला नहीं है तो रूट टू की वैल्यू 1.41 और रूट फाइव की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.1 डालकर अप्रोक्सीमेट आंसर ऐसे नहीं होगा ना बेटा ऐसे नहीं होगा और जब भी पेपर सेट करते हैं टीचर तो पेपर सॉल्व भी करते हैं ऐसे नहीं डालेंगे चांसेस नहीं है कि रूट टू की वैल्यू डालो रूट फाइव की वैल्यू डालो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे ना ठीक है नेक्स्ट का आंसर आया थर्ड का yes. क्या है ठीक सबकी बेटा क्यूब है 1 + 8 + 27 + 64 125 टोटल करके कितना आया है 225 raised to power 1/2 आंसर इज 15 नाउ व्हाट इज टू बी डन केयरफुली इन दिस क्वेश्चन द क्यूब कॉमन नहीं लेना ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ प्लस है तो कुछ नहीं हो सकता एंड जब क्यूब करना है तो केयरफुली करना है एक भी बच्चे ने एक भी नंबर मान लो जैसे युग ने बोला 75 किसी बच्चे ने एक भी क्यूब गलत लिख दिया तो आंसर गलत आएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या था कितना इजी नथिंग डिफिकल्ट बट केयरलेस मिस्टेक यू पीपल डू देन ओनली मिस्टेक्स आर डन फाइन इज इट क्लियर ओके फाइन देन द नेक्स्ट क्वेश्चन डिड यू गेट द आंसर एनी एक मिनट साहिल के अलावा किसका आंसर आया ओके बाकी सॉल्व करो हरी अप यस हरी अप बेटा मंशिका इट्स ओके बेटा सॉल्व करो नित्या हो गया क्या किया दिखाओ मल्टीप्लाई मन में कैसे किया हाँ वो इसको जो 1/2 का उसको 9 लिख दिया और 1/2 का तो 9 का क्यूब करके 729 हाँ मैं समझ गई सीधा ठीक है 2656 सेम आ रहा सबका बेटा यही आंसर है 2656 सेट नहीं है मैं देखती हूँ आंसर ये जो मैंने आंसर लिखा था ना सेकंड क्वेश्चन का वो ये नहीं है वो कहीं और से उठा लिया गलती से गलत आंसर बता दिया आपको इसका आंसर तो गिवन ही नहीं है यहाँ अभी बेटा जो सेकंड क्वेश्चन किया था ना जिसका आंसर आया था 21 root 2 + 12 root 5 उसका आंसर वो नहीं था जो मैंने बताया p by q के फॉर्म में नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर है तो p by q के फॉर्म में आ ही नहीं सकता अप्रोक्सीमेट आंसर उसका आएगा डेसिमल्स में वो किसी और का आंसर गलती से बता दिया था सेकंड वो जो किया था ना अभी सॉल्व यस लक्ष्य मैम फोर्थ का आंसर 26568 है हाँ जी ओके ये लक्ष्य वही है जो स्कूल में आता है ओके बेटा सी नाउ 4 × 81 दिस इज व्हाट 9 square into 9 square 1/2 + 9 square raised to power 3/2 कैंसल नाउ 4 × 81 9 raised to power -1 ये 9 raised to power -1 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/9 9 plus
नाइन क्यूब, फोर इंटू नाइन, नाइन सर 81 करना है, इंटू नाइन, नाइन क्यूब इज 727, सो 36 इंटू 7 36 2 6 5 6 8, बोलो अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 9 raised to power 1 into 9 raised to power cube is 9 raised to power 4. If 9 raised to power 1 plus 9 raised to power cube, no law. उसको सीधा सॉल्व करना पड़ेगा. When there is positive sign and negative sign in between, then we cannot. Okay, Sahil. Relax. This is a common mistake done by the students. अगला नहीं समझ आया, देख लेते हैं. See this question. 5 minus root 21 by 2. अब हमें पता, हमने उस नंबर को रैशनलाइज करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर में रूट हो. यस, बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है रैशनलाइज. वी हैव टू रैशनलाइज. व्हाट टू बी डन? इफ देयर इज नो रूट इन द डिनोमिनेटर, देन वी विल रैशनलाइज विद द न्यूमरेटर. देखते हैं करते हैं. रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन देखने दो, मुझे उसका आंसर देखने दो. कहाँ गया क्वेश्चन? जस्ट वन मिनट बेटा, गिव मी वन मिनट. करना जरा इसको सॉल्व. एक मिनट. इसका एक्चुअली क्वेश्चन था, नहीं नहीं छोड़ दो ये क्वेश्चन. एक्चुअली इसका क्वेश्चन था कि ये x की वैल्यू है, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर करके. छोड़ दो ये क्वेश्चन. इसका 1 by x क्या होएगा? मान लो अगर इसका 1 by x हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर रैशनलाइज करोगे. रहने दो, ये ऐसे नहीं है, ये टाइप डिस्कस नहीं किया, तो लीव इट. पूरा क्वेश्चन ही कुछ और था. ठीक है, लीव दिस वन. आप वही रैशनलाइज की प्रैक्टिस करोगे जिसमें रूट डिनोमिनेटर में, न्यूमिरेटर वाला नहीं करोगे. ओके, इसको करो सिंप्लीफाई. रूट 8 इज 2, कुछ नहीं, सिंपल बनाए. अगर रूट डेसिमल हटा, अगर हमें डेसिमल हटाना है डिनोमिनेटर में से, तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं. तो इसको रूट 8 इंटू रूट 8 किया, तो 5 root 8, रूट 8 नीचे, रूट 8 इंटू रूट 8 इज 8. बात समझ में आ गई? प्लस 1 by root 3 को मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, ऊपर रूट 3 नीचे 3. अब वो पुट कर दो, 2 बाहर, टेन बाय 8 रूट 2 प्लस रूट 3 बाय एलसी, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू डालकर अप्रोक्सीमेट आंसर निकल सकता है. इट इज व्हाट, 1.4. ठीक है, हाँ कुछ भी. क्या आंसर है? एक मिनट मुझे देखने दो, कहाँ से है क्वेश्चन, ये मैंने उठाया. इसके आंसर्स एक्चुअली यहाँ नहीं, पीछे. एनीवेज बेटा टाइम बहुत लग जाएगा. ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर यहाँ ऐसा है, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू डाल के यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर. ओ हेलो, जागो.
बेटा जो एमसीक्यूज आपको करवाए हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा बताया, वो सारे क्वेश्चन अब बार बार तो नहीं ना एक ही चीज कर सकते। जो एमसीक्यूज आपको आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं, प्लीज डू दिस दैट एमसीक्यूज व्हेन यू कम फॉर द एग्जाम। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी द इक्वेशन इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, सारे क्वेश्चन जो करवाए हैं आपको, ठीक है, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन। Write down. At what point the graph of equation, at what point, one minute Dhiren, at what point the graph of the equation 2x minus 3y is equal to minus 15 cuts the x-axis? कोई बोलेगा नहीं, अपना अपना करोगे। At what point the graph of this equation cuts the x-axis? हाँ जी बेटा। मैम जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन से क्या? हम जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट था उसके क्वेश्चन से एक दो। अभी अच्छा ठीक। Not having its answer. क्या आंसर आया? -7.5, क्या किया इसमें आपने? Since the graph is cutting the equation is cutting the x-axis, इसका मतलब जो हमारी लाइन है वो x-axis को टच कर रही है, ऐसे है वो, जो लाइन है वो x-axis को टच कर रही है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। तो y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो y को जीरो पुट करेंगे, 2x is equal to -15, x is equal to -15/2, that is -7.5. So आपसे पूछा है एट वॉट पॉइंट एक्स, अगर आप ऑप्शन में देखना कि ये दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू -7.5 या -7.5, 0, ये होगा सर। एट वॉट पॉइंट इफ द इक्वेशन इज कटिंग द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई वाला कोऑर्डिनेट इज 0, इफ इट इज कटिंग, ऑप्शन हो गया क्या? ऑप्शन है ना, ऑप्शन होगा, आप देख लेना। ये पॉइंट्स में मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं कि 7 में x -7.5 है तो y 0 ही है, ठीक है, और अगर y एक्सिस को कट करता है तो उसका क्या 0 होता है? x वाला कोऑर्डिनेट। हां जी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज डैश, मत का एक्टिव आंसर दो बेटा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y एक्सिस इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? इक्वेशन पांची y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का साइन होगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इफ इट लाइज ऑन द x एक्सिस?
What will be the general, chup raho tum log. What will be the general coordinate of the point if it lies on x-axis? Ek minute, achha. What is the general? Haan, what are the, main tum hal jau. Jau, thori sair karke aao. Jau, library jake aao. What will be the coordinates of the point? General point क्या होगा अगर वो जो point है वो x axis पे lie करता है zero coordinate बताने हैं किसका zero क्या zero coordinate पूछे हैं मैंने अगर point x axis पे lie करता है तो उसका general coordinate होगा x comma zero ये x कुछ भी हो सकता है y zero अगर वो y एक्सिस पे लाए करता है तो x 0 comma y everything has been discussed in detail each and everything cannot be discussed again and again paper तो देना है ना finally किसी ना किसी दिन साहिल स्कॉलर बनेगा है ना याद रखेगा टीचर्स को अपने हाँ ओके राइट ऑन द अनदर क्वेश्चन पार्किंग चार्जेस वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है अच्छा ये बनाओ चलो क्वेश्चन शॉर्ट में लिखवाऊंगी लिखिए द पार्किंग चार्जेस इज रुपीज 20 फॉर द फर्स्ट 3 hours नोबडी विल गिव मी द कलेक्टिव आंसर जस्ट हो गया तो चुप रहना हैंड रेज करना द पार्किंग चार्जेस इज रुपीज 20 फॉर फर्स्ट 3 hours एंड रुपीज 10 for subsequent hours and rupees 10 for subsequent hours dobara bol rahi hu the parking charges is rupees 20 for the first 3 hours and rupees 10 for the subsequent hours ek minute likho aage taking total parking time to be x hours taking total parking time to be x hours and total charges as rupees y ठीक है समझ आ गई make an equation कितने x No, okay. इतनी मेहनत करवाने के बाद तुम अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते तो ऐसे लगता है कि कुछ पढ़ाया ही नहीं क्या हो रहा है ये पेपर है ये पेपर चल रहा है तो व्हाट इज दिस
लेट हिम थिंक, कुछ नहीं होता, तो पेपर पॉप ने पूछा नहीं, बट इसका आंसर ठीक है. एनीवन एल्स, जस्ट 1 मिनट इज लेफ्ट. हो गई हो बोल. 22 + 10 = x. मैम जल्दी बोलो. गलत है. हां जी धीरेन जल्दी बोल दो. y = 20 * 3 + 10 * 8 y = 20 * 3 + 10 * into the brackets x - 3. नहीं, उसने x - 3 बोला था. उसने बोला उसने सिर्फ x लिखा. 20 गलत है धीरेन आपका भी. देखो क्या कहते हैं, सुनो बेटा एवरीवन, टोटल टाइम कितने हैं x, फर्स्ट 3 और टोटल चार्जेस कितने हैं y, रुपीस y, मतलब उसने y रुपीस पे करने हैं. कितने टाइम के लिए? पहले 3 घंटे के लिए टाइम फिक्स है, चार्जेस फिक्स है कितने, 20 रुपीस. पहले तीन घंटे के लिए उसने 20 रुपए देने हैं. मान लो मॉल में ज्यादा टाइम लग गया, 4 घंटे लग गए, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 20 प्लस कितने रुपीस, 10 नहीं 10x नहीं. अगर टोटल टाइम x था, उसमें से 3 घंटे चले गए जिसके लिए हमने 20 रुपए दिए, बाद में टोटल टाइम में से कितना टाइम बचा, x - 3 के लिए उसको कितनी मनी देनी पड़ रही है. इसको सॉल्व करके आएगा, बात समझो दोबारा से. मान लो मुझे मॉल में 10 घंटे लग गए, ठीक है, हाउ मच मनी आई हैव टू पे, मैं करूंगी 20 रुपए तो 3 घंटे के लिए हो गए, ठीक है, बाकी के कितने घंटे बचे, कितने बचे, टोटल में से 3 माइनस करेंगे तभी 7 आता है ना. अगर मेरे को टोटल 10 घंटे पता है कि मेरे 10 घंटे लग गए और मैंने उनको पैसे देने हैं, तो मैं कहूंगी कि भैया आपके 3 घंटे के तो फिक्स है ना 20 रुपए, बाकी के कितने घंटे लगे, 7. 7 कैसे आए, मैंने 10 में से किसको माइनस किया, जो फिक्स चार्जेस वाले आवर्स हैं, दैट इज 3, तो सभी 7 आया. अभी हमारा टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम x, टोटल टाइम क्या है x, तो 20 रुपए फिक्स हो गए टोटल टाइम में x, तो x में से 3 घंटे माइनस करेंगे 10 रुपए, बाकी जो टाइम है उस एक घंटे के हिसाब से 10 रुपए, तो दिस इज द इक्वेशन. सॉल्व करके जो भी आएगा, y = 10x - 10, 20 - 30 - ये हो गई क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन जो टैक्सी चार्जेस वाले क्वेश्चन है ना, और ऐसे वाले पार्किंग वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कहीं से भी है तो उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए चांसेस है कि पेपर में आए, सेम भी आ सकता है डिफरेंट भी आ सकता है, प्रैक्टिस होगी बेटा. ये इसी से ये बनी है ना, ये फॉर्म में एमसीक्यू में आ सकता है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा. यार 20 + 10x - 30 - 10, ठीक है जी. ऑल राइट स्टूडेंट्स, टेक केयर.